गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 4 विषय इंग्लिश लेसन नंबर 5 जिसका नाम है द पिकॉक अवर नेशनल वर्ड के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए द पिकॉक अवर नेशनल वर्ड मोर, पिकॉक यानी क्या होता है मोर, अवर नेशनल वर्ड हमारा क्या है राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चित्र दे रखे हैं 3। अब इन तीनों चित्रों में जो जो पक्षी हमें दिखाई दे रहा है उनके सबसे पहले नाम बताने हैं। पहला ही क्वेश्चन ये दे रखा है कि नेम द वर्ड्स इन द अबव पिक्चर्स, अर्थात उपयुक्त चित्रों में पक्षियों के नाम को बताइए। ठीक है, अब अपन चित्र देख के बता दे तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला वाला जो चित्र है वो है स्पैरो, स्पैरो यानी होता है गौरैया। ठीक है, दूसरा तो आप सब जानते ही हैं, ये क्या है पैरट, पैरट यानी क्या होता है तोता। और तीसरा है अवर नेशनल वर्ड यानी पिकॉक, पिकॉक यानी क्या होता है मोर। चलो अब दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, व्हेन डू वी ऑफ्टन सी ए पिकॉक, मतलब हम मोर को प्राय कब देखते हैं। अब बताइए मोर को कब देखा जाता है, बरसात के दिनों में, तो इसका आंसर हो जाएगा वी ऑफ्टन सी ए पिकॉक इन रेन सीजन। ठीक है, हम मोर को प्राय वर्षा ऋतु में देखते हैं। अगला देखिए, व्हाट डू यू नो अबाउट ए पिकॉक, ठीक है आप मोर के बारे में क्या जानते हैं। अब मैं बताऊं आपको, पिकॉक इज ए ब्यूटीफुल बर्ड, है ना, मोर बहुत सुंदर पक्षी होता है। इट इज अवर नेशनल बर्ड, ये हमारा क्या है राष्ट्रीय पक्षी है। ये सारी बातें हो गई, देखो कितना सुंदर मोर का चित्र है ना, ये अपना क्या है नेशनल बर्ड। अब आगे चलते हैं, पढ़ना स्टार्ट करें लेसन को। ठीक है चलो करते हैं। वर्ड्स आर क्रिएटर्स दैट हैव फिट देयर विंग्स एंड ए वी, अर्थात पक्षी ऐसे प्राणी होते हैं जिनके पर पंख तथा एक चोंच होती है। ये तीनों चीज समझा दी। वर्ड्स आर क्रिएचर्स दैट हैव फीट हेयर विंग्स एंड ए वीक्स, मतलब क्या क्या होती है, पंख होते हैं, चोंच होती है और पर होते हैं। ठीक है आगे चलते हैं। दे आर वार ब्लडेड क्रिएचर्स एंड आर ऑलवेज रेडी टू फ्लाई इन टू एक्शन, वे गर्म खून वाले जीव होते हैं और वे हमेशा गति में उड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है यहाँ तक हो गया अपना, अब आगे चलते हैं। इन फैक्ट वर्ड्स आर द मोस्ट पावरफुल फ्लायर्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, वास्तव में पक्षी सभी जीवित प्राणियों में से सबसे अधिक शक्तिशाली उड़ने वाले होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा क्या होते हैं पावरफुल उड़ने की क्षमता में। However, not all birds can fly very high, तथापि सभी पक्षी अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते, एंड द पिकॉक इज वन ऑफ देम, और मोर उनमें से एक है। मोर को आपने देखा होगा कि वो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ पाती है। ठीक है अब आगे चलते हैं। देर आर मोर देन 2000 species ऑफ बर्ड इन अवर कंट्री, हमारे देश में पक्षियों की 2000 से अधिक क्या है स्पीसीज यानी प्रजातियां हैं। चले आगे, अमोंग दीज इनमें से एक द मोस्ट ब्यूटिफुल अट्रैक्टिव एंड ब्रिलियंटली कलर्ड वन इज द पिकॉक, एक सबसे अधिक सुंदर आकर्षक तथा चमकीले रंगों युक्त मोर है। यहाँ तक आप बस समझ में आ गई। इट इज ऑल्सो अवर नेशनल बर्ड, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ये क्या है हमारा राष्ट्रीय
पक्षी। अब आगे चलते हैं। इट हैज मैनी कलर्स, इसके अनेक रंग होते हैं। अब देखिए मोर तो अपन ने एक कलर में देखा है, अभी पर इसके क्या होते हैं, बहुत सारे रंग होते हैं। अब आगे चलें। दिस चार्मिंग वर्ड इज ए फैमिलियर साइट ऑल ओवर द कंट्री। यह हमारे राष्ट्रीय पक्षी होते हैं, इसके अलग रंग होते हैं। इसके बाद में अब देखिए मैं बताता हूँ, यह आकर्षक पक्षी का देश में सभी जगह पर दिखाई दे देगा, सुपरिचित है। ये क्या है, सभी जगह पर पाए जाते हैं, सभी कंट्रीज में पाए जाते हैं। इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ फेनस्टेंट। फेनस्टेंट यानी होता है यह लंबी पूंछ वाले पक्षियों के वर्ग का सदस्य है। अब इनकी पूंछें क्या होती है, बहुत लंबी होती है। द फीमेल इज कॉल्ड द पिहेन एंड द मेल पिकॉक। मादा को मोरनी तथा नर को मोर कहा जाता है। कलेक्टिवली वॉट आर कॉल्ड, दोनों को क्या बोलते हैं, वॉट आर कॉल्ड पीफोल। सामूहिक रूप से दोनों को मयूर पीफोल पीफोल कहा जाता है। क्या बोला जाता है, पीफोल दोनों को। अब आगे देखिए कितना सुंदर चित्र है मोर का। चले गए। द इंडियन पीफोल लिव्स मेनली इन द ह्यूमिड एरिया ऑफ द कंट्री। भारतीय पीफोल मुख्य रूप से देश के आर्द्रता युक्त क्षेत्रों में रहता है। आर्द्रता युक्त मतलब यहाँ पर ठंडा मौसम रहता है और मतलब बारिश आती रहती है, ऐसे एरिया में रहता है। ठीक है, अब आगे चले। इट इज फाउंड इन लार्ज एग्रीकल्चर फॉर्म गार्डन्स ग्रोव्स एंड फॉरेस्टेड। ठीक है, यह विशाल कृषि क्षेत्रों बगीचों पेड़ों के कुंजों तथा जंगलों में पाया जाता है। ठीक है, मोर कहाँ कहाँ पाया जाता है, जंगलों में, फॉरेस्ट मतलब गार्डन में, कृषि जगहों पर, यहाँ पर मोर पाया जाता है। इट लव्स क्लस्टर्स ऑफ ट्रीज एंड ग्रेसी स्पीसीज अलोंग फ्रेश वाटर पॉन्ड्स लेक्स एंड रिवर्स। यह पेड़ों के झुंडों तथा मीठे पानी वाले तालाबों झीलों और नदियों के घास से ढके स्थानों को पसंद करता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, पॉन्ड्स एंड तालाब होता है, रिवर्स यानी नदियाँ होती हैं। ठीक है, इनको क्या करता है, ये पसंद करता है, ऐसे स्थानों को पसंद करता है। द पीकॉक इज नोन बाय मैनी नेम्स, मोर को अनेक नामों से जाना जाता है। द कॉमन संस्कृत नेम फॉर इट इज मयूरा, संस्कृत में इसका नाम मयूर है, मयूर हो गया, विच मीन्स ए क्लब, इसका अर्थ एक हत्यारा होता है। क्या होता है, हत्यारा। अब देखिए कैसे इसका नाम हत्यारा पड़ा। ठीक है, चले आगे, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ठीक है बच्चों, नहीं आ रही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंप्लेंट कर सकते हो आप कमेंट बॉक्स में, हम आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, इट इम्प्लाइज दैट द पीकॉक इज ए किलर ऑफ द किलर द स्नेक। यह संकेत करता है कि मोर एक हत्यारे सांप को मारने वाला होता है। ठीक है, किसको मारता है, सांप को, जो सांप तो अपन को ही मार दे, वो खुद ही हत्यारा होता है। द पीकॉक इज ऑल्सो कॉल्ड नीलकंठा बिकॉज ऑफ इट्स ब्लू नेक। मोर को इसकी नीले रंग की गर्दन के कारण नीलकंठ भी कहा जाता है। क्या है नाम, दो नाम देख लिए अपन ने इसके, एक तो मयूर और दूसरा नीलकंठ। द पीकॉक हैज इरिडेसेंट ब्लू ग्रीन फीटर्स, मतलब मोर के विभिन्न प्रकाश में अलग अलग रंग दिखने वाले नीले हरे रंगों के पंख होते हैं। कैसे पंख होते हैं, नीले और हरे रंगों के। इट हैज कलरफुल आईज मार्किंग ऑफ ब्लू गोल्ड रेड इटीसी, इसके नीले सुनहरे लाल आदि रंगों की आंख जैसी आकृतियां होती है। दीज
फीचर दिस फीड देयर आर इन ग्रेट डेप्थ एज दे आर विडली यूज्ड इन मेकिंग हैंड फैंस। इन पंखों की काफ़ी मांग होती है क्योंकि इनका प्रयोग दूर दूर तक हाथ के पंखों को बनाने के लिए किया जाता है। इन पंखों की बहुत मांग होती है। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज एंड द वर्ल्ड सम वाइट पीकॉक आर फाउंड। देश तथा संसार के कुछ भागों में कुछ सफ़ेद मोर पाए जाते हैं। सफ़ेद मोर भी होते हैं। दे टुक लुक वेरी ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव। वे भी काफ़ी सुंदर तथा आकर्षक दिखते हैं। द पीकॉक हैज इंस्पायर्ड मैनी पॉइंट्स सिंसियरली डेज। मोर ने बहुत पहले से ही अनेक कवियों को सुंदर कविताओं के संग्रह के लिए प्रेरित किया है। टू कंपोज ब्यूटिफुल पोएट्री, ठीक है, यहाँ तक है। टू कंपोज ब्यूटिफुल पोएट्री अडेप्टेड हियर से पोएम रिटन ऑन द पीकॉक, रीड एंड एंजॉय। अब एक पोएम दे रखी है यहाँ मोर पर, लिखी गई एक कविता है, इसे पढ़े तथा आनंद ले। अब ये देखो मोर पर एक कविता है द पीकॉक के नाम से, इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। द पीकॉक स्टैंड टॉल एंड प्राउड। मोर सीधा तथा गर्व से खड़ा होता है। हिज ब्लू एंड ग्रीन फिट देयर्स स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। उसके नीले तथा हरे पंख भीड़ से अलग दिखते हैं। बिल्कुल सही बात है। ही अनरैप्स हिज विंग्स फॉर अस ऑल टू सी। वह अपने पंखों को हमें दिखाने के लिए खोलता है। आगे द ब्यूटिफुल कलर सो ब्राइट एंड फिट देयरली। रंग अत्यधिक चमकीले तथा पंख मुलायम होते हैं। एज वी सिट एंड वेट फॉर द पीकॉक्स आइज टू इल्यूमिनेट। जैसे ही हम मोर की आंखों के लिए बैठते हैं तथा इंतजार करते हैं, वे जगमगाती है। इल्यूमिनेट यानी होता है जगमगाना। फीट देयर सो टॉल एंड हीड हेल्ड हाई। पंख काफी लंबे तथा सिर ऊंचा होता है। बिल्कुल सही है। वॉट ए मैग्निफिकेंट वर्ड्स ऑल द अदर वर्ड्स क्राय। कितना शानदार पक्षी है, दूसरे सभी पक्षी चिल्लाते हैं। ये अपना लेसन समाप्त हो गया। बहुत ही अच्छा लेसन था, ठीक है बच्चों। इसमें कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।